क्या पोकेमोन खत्म हो चुका है, पोकेमोन का दी एंड हो चुका है? क्योंकि जो मजा पहले आया करता था पोकेमोन एनिमे सीरीज देखने में, पोकेमोन गेम खेलने में, पोकेमोन को लेकर, अब वो बदल चुका है। क्या ये सच है? बात करते हैं। तो देखो, एनिमे सीरीज का सबको पता ही है कि 25 साल तक एज खत्म एनिमे सीरीज में था और उसको देखकर लगता था कि एज खत्म नहीं है, अरे सातोशी होगा। अरे सातोशी भी नहीं है, वो तुम हो। तुम्हें ऐसा लगता है ना, जब भी तुम एनिमे सीरीज देखते थे तुम्हें लगता था कि यार ये तो एज नहीं है, यार ये तो हम है, हम एनिमे सीरीज में ट्रेवल कर रहे हैं, ये पिकाचू एज का नहीं, हमारा पिकाचू है। चाइजर हमारी बात नहीं मान रहा है और ग्रीन निंजा बैटल कर रहा है, बॉन्ड इवोल्यूशन एज के साथ हुआ लेकिन दर्द हमको हो रहा है, ये हद तक हमारा कनेक्शन था एज के जम से। लेकिन जैसे ही वो गया, वो कनेक्शन भी जा चुका है उसके साथ में, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ फील हो रहा है। क्योंकि लिको रोय चाहे कुछ भी कर ले, आई नो उनकी स्टोरी अच्छी है, स्टोरी में मजा है, सस्पेंस है, लेकिन जो कनेक्शन फील होता है ना कि ये लिको है, ये हम नहीं है, ये तो लिको कर रही है, हम ऐसा नहीं करते। रोय भी अच्छा है, अच्छा बंदा है, लेकिन रोय को देखे वो फीलिंग नहीं आती कि यार ये हम है, ऐसा फीलिंग रोय के साथ भी आता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोफेसर फ्राइड के साथ में वो फीलिंग आती है कभी कभी, क्योंकि उसके पास में पिकाचू है, चाइजार्ड है, कहीं ना कहीं वो एस वाला कनेक्शन फील होता है। तो कभी कभी हमको लगता है कि यार फ्राइड नहीं, ये तो हम है। सो दैट्स व्हाई एनिमे सीरीज का समझ में आता है कि यार धीरे धीरे लोग बोलते हैं ना यार, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने वाला ओपी है, पुराने वाला ही अच्छा लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ यार पोकेमोन की बात नहीं है, हर एक एनिमे, हर एक टीवी शो, हर एक सीरीज, मतलब चाहे तुम्हारी मेमोरी क्यों ना हो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यार बचपन का टाइम अच्छा था, ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा पुराना समय ही तुमको अच्छा लगेगा। और जिस समय को तुम आज जी रहे हो ना, वो भी तुम्हें अच्छा लगेगा आगे जाकर तुम यही बोलोगे कि यार पुराना टाइम अच्छा था, ओल्ड इज गोल्ड। तो उसी तरीके से लोग बोल रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड। वैसे तुम पोकेमोन में भी एज को देखो ना, तो उसमें भी लोग बोलते हैं कि यार जर्नीस वाला अच्छा है, लेकिन केंटो वाला ओल्ड इज गोल्ड है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि यार ऐसा होगा, हर एक टाइम पे, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें यही फील होगा कि पुराना वाले अच्छा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यार प्रेजेंट वाला खराब है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम यार पुराने एपिसोड को मिस नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उस टाइम पीरियड को मिस कर रहे हो जिस समय में तुम पोकेमोन देखा करते थे। यानी कि कोई भी टेंशन नहीं, मतलब बस स्कूल से आए, पोकेमोन देखा, कोई यार जिंदगी की टेंशन नहीं, ना तुम्हें आगे बढ़ना है, ना तुम्हें कुछ करना है। लेकिन आज के टाइम पे तुम्हें पढ़ना भी है, आगे भी बढ़ना है, अपने लाइफ को बैलेंस करना है, जिंदगी भर की प्रॉब्लम है। तो डैश भाई तुम उस पीरियड को याद करते हो, अभी तुम यार प्रेजेंट भी जी रहे हो, पास्ट को भी याद कर रहे हो, फ्यूचर की भी टेंशन है। डैश भाई तुम्हें पुराने एपिसोड ज्यादा अच्छे लगते हैं, तुम पुराने टाइम को याद कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पोकेमोन खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है पोकेमोन के साथ में कि जैसे जैसे रीजन्स आते जा रहे हैं ना, उसी तरीके से पोकेमोन की डिजाइंस, उनके नेम बेकार होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये हिंदी नेम को लेके आए हैं वो हमको अजीब लग रहा है, बिकॉज भाई साहब समझो ना, हमारे लिए पिकाचू पिकाचू ही रहेगा। अगर तुम पिकाचू को कोई और नाम दोगे तो हमें पसंद नहीं आएगा। जैसे कि ओसेवोट है तो वो ओसेवोट अच्छा लगता है, मोमलू इसका कोई नेम है वो अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हो ना। सेप्टाइल ही अच्छा लगेगा, जंगली जाड अच्छा नहीं लगेगा। बट वहीं अभी कोई लोग डायरेक्ट हिंदी डब में देखेंगे, ये नाम को सुनेंगे, तो उनके लिए जंगली जाड अच्छा होगा, उनके लिए सेप्टाइल अजीब होगा। तो यार इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि पोकेमोन गेम्स की। पहले तुम ही सोचो यार, केंटो के पोकेमोन की डिजाइन कितनी कूल है, गेंगार ले लो, ड्रैगनाइट ले लो, लेकिन स्कारलेट एंड वायलेट में जो पोकेमोन है ना, फ्यूचर वाले, पास्ट वाले, उनको देख के लगता है कि ये थोड़े से आर्टिफिशियल है, नकली है। लेकिन पहले वाले पोकेमोन की डिजाइंस को देख के लगता था कि भाई ये होते हैं असली, भाई यार बिल्कुल रियल टेरिफिक मॉन्स्टर पोकेमोन लग रहे हैं ये। लेकिन अभी के पोकेमोन को देख के लगता है कि ये खिलौने, टॉय है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है पोकेमोन के साथ में, एंड जेन्युइनली ये होना ही था। तुम यार कितने डिजाइन में इनोवेशन करोगे, पोकेमोन में हजार से ज्यादा पोकेमोन है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिजाइन की क्रिएटिविटी की कमी होगी होगी। भाई तुम ही सोचो ना, हजार से ज्यादा ओपी पोकेमोन दिए, उनमें से कुछ पोकेमोन तो खराब आएंगे ही आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यार डिजाइन में थोड़ी वो रिसर्च डेवलपमेंट ही कर सकते हैं, बिकॉज यार जो पोकेमोन अब आ रहे हैं ना, तो यार केलोस तक सब ओपी थे, लेकिन फिर एलोला में थोड़े खराब हुए, ग्लार में 60% अच्छे थे, 40% बेकार थे, लेकिन स्कारलेट एंड वायलेट में सिर्फ 10% पोकेमोन अच्छे थे और ना बाकी सारे बेकार है। तुम सोचो ना यार, पहले के टाइम पे म्यूटू पोकेमोन अकेला पूरी दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखता था, लेकिन अब ये लेजेंडरी मिथिकल पोकेमोन में कुछ लगता नहीं है देखने में, लगता है ये है क्या, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। पोकेमोन एनिमे सीरीज की प्रॉब्लम नहीं है, एस रेस्ट कर रहा है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आएगा। एक काफी अच्छी स्टोरी है जिसमें एस किस्म कमबैक करेगा, मैं
मैं अगली वीडियो में बताएगा। लेकिन मेन पॉइंट है इस वीडियो को बनाने का कि पोकेमोन की डिजाइंस में इनोवेशन की काफी हद तक जरूरत है, जो कि इनको सही करना पड़ेगा, बिकॉज पहले के पोकेमोन भाई काफी ज्यादा ओपी है। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, ओल्ड इज गोल्ड, बट डेफिनेटली जेन्युइनली तुम देखोगे किसी आज के टाइम के बंदे को भी दिखाओगे ना, तो उनको ओल्ड पोकेमोन ज्यादा अच्छे लगेंगे एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट पोकेमोन। सो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। पोकेमोन के डिजाइन को पहले की तरह नॉर्मल रखो, अभी के डिजाइन को इन्होंने काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है भाई। यार अलग अलग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ये साइकिल वाले पोकेमोन बना रहे हैं भाई, पागल वागल तो नहीं हो ना। इनोवा से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, आइसक्रीम वाले, नट वाले पोकेमोन, ये पोकेमोन, एप्पल पोकेमोन, भाई अच्छा नहीं लगता है। कुछ पोकेमोन हो तो सही लगता है, लेकिन ज्यादा ही पोकेमोन ऐसे आ जाए स्कारलेट एंड वायलेट तरह तो मजा नहीं आता है। एंड डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि स्कारलेट एंड वायलेट के पोकेमोन मुझे सबसे बेकार लगते हैं। एंड आई होप कि लेजेंड्स जेड जो गेम आ रहा है उसके अंदर कोई न्यू पोकेमोन होंगे तो वो अच्छे होंगे, बिकॉज वो पास्ट में टेक प्लेस कर रहा है। जैसे जैसे फ्यूचर के पोकेमोन ये लाते जाते हैं वो यार चाइल्डिश फील होना शुरू हो जाते हैं। बस यही बोलना चाहूंगा कि अब जो पोकेमोन आएंगे उनको और बेहतर बनना पड़ेगा। पोकेमोन द एंड नहीं हुआ है, लेकिन पहले जैसा मजा अब आ नहीं रहा है। लेकिन आई होप पोकेमोन जोर से वापस कमबैक करेगा। इंडिया के अंदर तो इसकी पॉपुलरिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें बताने आया हूँ कि यार पोकेमोन में वो मजा नहीं आ रहा है, डिजाइंस नीड टू बी इम्प्रूव। ऐसा होगा, पक्का होगा, एक चीज से, कैसे, सब्सक्राइब से कर देना। बाय बाय।